यवतमाल जिले में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिग्रह शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से शहर में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि शनिवार की सुबह से ही स्थानीय तहसील, पालिका और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क करने और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचने की कवायद में जुटा नजर आया। दिग्रह शहर और तहसील परिसर अतिवृष्टि की चपेट में आने से यहां शुक्रवार देर रात से शनिवार दोपहर तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिग्रह शहर के कई इलाकों में पानी घुसने से लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मोतीनगर, देवनगर, चमनपुरा, संभाजीनगर, शास्त्री नगर, पोला मैदान परिसर में कई लोगों के घर पानी में डूब गए है। ढावंडा नदी और मोरना नदी को आई बाढ़ से शहर के पुसद पुल, आर्नी नाका इलाके का पुराना पुल और स्मशान भूमि से सटे आर्नी बाईपास वाले नए पुल के ऊपर से पानी बहने से कई इलाकों और आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय और आपत्ति व्यवस्थापन विभाग ने 21 और 22 जुलाई को ही अतिवृष्टि के संदर्भ में सतर्कता की सूचना जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आह्वान किया था। जिले भर की तमाम स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी गई थी। बहरहाल दिग्रह शहर में नदी किनारे वाली बस्तियों के साथ ही और बाजार परिसर की सड़कें भी जलमग्न हुई और दुकानों में पानी भरने से भारी नुकसान की जानकारी मिली है। खबर लिखे जाने तक स्थानीय प्रशासन अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत कार्य और उनके रहने और खाने के लिए शहर के विभिन्न योगा भवनों और पालिका के स्कूलों में इंतजाम करने में जुटा था। कई जगहों पर स्वयंसेवी गुटों ने भी आगे आकर अपने अपने इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद की व्यवस्था शुरू कर दी थी। कई जगह पर भोजन की व्यवस्था कर उन्हें यहाँ पर रहने और रुकने का आह्वान किया जा रहा था। नदी जो है तो मोती नगर के सामने ही है और वो वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है और ऊपर का पानी थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से प्रशासन से गुजारिश है कि मोती नगर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि गरीब तबके के लोग रहते हैं, सब रोज मजदूरी वाले लोग हैं और बहुत उनका जान माल का और अनाज का नुकसान हो रहा है। भावना नदी का पानी है, पूरा मस्जिद में घुस चुका है, बच्चे का उधार है, अंदर का सामान सुमान और वैसे ही ये जो पीछे इधर जो नीचे की पट्टी है उसमें घरों में अपने काफी पानी घुस चुका है। हमारी प्रशासन से अपने निवेदन है, दे रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो मोती नगर की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो दी। गुजारिश करता हूँ कि आपके रहने का इंतजाम अपने मोती नगर के फंक्शन हॉल में किया गया है और आपके खाने का इंतजाम मस्जिद में या मदरसे में, जहां आपको बेहतर लगे वहां आकर आप खाना खा सकते हैं, या तो आप लोग जहां पर भी होंगे मेरे अपने लोग आप तक खाना पहुंचाएंगे। बहरहाल भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से दिग्रह शहर में हाहाकार की स्थिति बनती नजर आई। बिजली गुल होने से भी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी। एक तरह से इस बार हुई भारी वर्षा के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया है। इस संकट से उबरने के लिए तहसील प्रशासन लोगों की मदद के लिए किस तरह आगे आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। NBCN न्यूज के लिए दिग्रह से जुबैर खान की रिपोर्ट।